गिरिडीह कॉलेज रोड के सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शुक्रवार को उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एम के सिंह, पूर्व विधायक निर्भय शाहपाती, उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। यहां अतिथियों को स्वदेशी जागरण मंच गिरिडीह की ओर से अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए अतिथियों ने कहा कि आज के युवा कल के भविष्य हैं, अतः युवाओं को कौशल और कुशल दोनों बनना पड़ेगा। युवा वर्ग को जॉब मांगने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर विजय सिंह ने भी सभी के प्रति आभार प्रकट किया। तो कहने का मतलब यह है कि आप उस समय को देखिए कि जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग पढ़े तो जिंदगी भर इंजीनियरिंग के पीछे में लगे हुए हैं। आप छोटा काम कर रहे हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जरूर आप जानकार हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आप जरूर समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो जरूर उसके बारे में आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अपने माध्यम से कुछ लोगों को रोजगार दें, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अपने संतोष जैन जी एक बहुत बड़ा उदाहरण दिए कि मस्तिष्क जागरण मंच विश्व युवा कौशल दिवस के शुभ अवसर पर आज सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे देश के युवाओं को, जिनकी संख्या आज 22 करोड़ है, वो नौकरी ढूंढने वाले नहीं बने, नौकरी दाता बने, वो लोगों को रोजगार दें, ऐसा उद्यम हम लोगों को देखना चाहते हैं और ऐसे उद्यमी देश में पैदा हों ताकि देश स्वरोजगार की ओर बढ़कर आत्मनिर्भर बने और स्वावलंबी भारत अभियान का जो हमारा उद्देश्य है वो सफल हो। आज गिरिडीह जिला में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर एम के सिंह मौजूद रहे। उन्होंने आज इस इंस्टीट्यूट में युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। उन्होंने हमारे क्षेत्र के युवा किस तरह स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं इसकी जानकारी दी। हम लोगों को पढ़ने के बाद सिर्फ नौकरी के पीछे भागना नहीं है, हम लोगों को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि देश में युवाओं की शक्ति क्षमता पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा है। भारत में लगभग 36 करोड़ युवा हैं और इतनी बड़ी आबादी को एक साथ नौकरी दे पाना किसी भी सरकार के लिए संभव है। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले पूरे देश में स्वावलंबी भारत अभियान का आयोजन आज से उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन के रूप में किया जा रहा है, जिसका साक्षी आज गिरिडीह जिला भी हुआ। यहाँ एक बड़े स्तर पर उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे कई अतिथियों ने भाग लिया और उन्होंने अपने विचारों को उन्होंने लोगों के बीच साझा किया। इस कार्यक्रम में कई ऐसे उद्यमी और जैसलमेर से जुड़ी महिला साथी भी आई, उन्होंने भी अपना अनुभव को साझा किया कि किस प्रकार उन्होंने छोटी सी पूंजी से जैसलमेर के सहयोग से या अन्य स्रोतों के सहयोग से उन्होंने छोटे से ग्रुप से काम करना स्टार्ट किया और आज वह खुद रोजगार करती ही हैं और अपने साथ लगभग 20-25 महिलाओं को रोजगार।